नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वीलू कप का। अब वीलू कप कैसे काम करता है? वीलू कप आपका लेफ्ट टू राइट डेटा को सर्च करके ला के आपको देता है। जो भी आप कॉलम पोजिशन दे देंगे उसे, उस कॉलम से क्या है डेटा को हमें सर्च करके देगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले रोल नंबर वन को हम नीचे ले रहे हैं, और मुझे क्या करना है, मुझे ना इसकी एवरेज निकालनी है। पहला ही क्वेश्चन ये है मेरे पास, मुझे रोल नंबर वन की एवरेज निकालनी है इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, पैरामीटर्स में भी फोर पास करने हैं आपको। लुकअप वैल्यू वन, लुकअप वैल्यू आपका रोल नंबर वन हो जाएगा, क्योंकि रोल नंबर वन का रिकॉर्ड हमें देखना है। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप रोल नंबर से सर्च कर रहे हैं तो रोल नंबर पहले ही कॉलम में होना जरूरी है, और नाम से सर्च कर रहे हो तो नाम, फिर आप नाम से ही टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर रोल नंबर नहीं लेंगे उसमें, वो पहले कॉलम में होना जरूरी है। तो हमने क्या करा, ये कंप्लीट टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे इसकी एवरेज निकालनी है रोल नंबर वन की। तो कॉलम वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट नंबर में क्या है, इसका हमें एवरेज दिया हुआ है। हम यहाँ पे एट टाइप करेंगे, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं क्या लगाने वाला हूँ इधर, जीरो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। तो 90 उसकी एवरेज है। अगर जब भी मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करूँगा ना, तो लुकअप वी लुकअप लगाने का यही फायदा होता है कि आप रोल नंबर एक बार आप फॉर्मूला लगाइए और रोल नंबर को चेंज करते रहिए, आपका रिकॉर्ड वो सर्च करके आपको दे देगा। जैसे मैंने रोल नंबर थ्री एंटर किया तो 70 हमें क्या है रोल नंबर थ्री की एवरेज पता चल गई है। और हमने क्या है यहाँ पे सिक्स टाइप किया, 57 हमारे पास आ चुका है सिक्स का। और जो रिकॉर्ड इसमें नहीं होगा, जैसे आपने सेवन एंटर किया तो एन ए दिखा देगा आपको, ये एन ए आपको दे देगा, यहाँ पे मैसेज दे देगा आपको, ये एरर आ गया है। कंट्रोल जेड से हम करते हैं बैक। इसी प्रकार से मुझे रोल नंबर वन के मैथ्स के मार्क्स चाहिए, रोल नंबर वन के मैथ्स के मार्क्स चाहिए इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, रोल नंबर वन है, रोल नंबर वन को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में क्या करेंगे कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर आपका मैथ कितने नंबर के कॉलम में है, ये आपका है फाइव नंबर में, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। हमने यहाँ पे क्या है फाइव टाइप कर देंगे, कॉमा, एग्जिट मैच के लिए जीरो और एंटर कर दीजिए। तो आपका 61 जो है उसका रिकॉर्ड यहाँ से निकल के आ गया है। देखिए रोल नंबर क्या है मेरे पास, सिक्स है, तो सिक्स का 61 ही है, देखेंगे मैथ में उसके 61 हमारे क्या है मार्क्स हैं, हम देख सकते हैं ये हमारा रिजल्ट ये रहा इस तरीके से। चलिए ये तो हमने एक एक का निकाला, अगर मैं आप पे रोल नंबर को चेंज कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा उसके मैथ में कितने मार्क्स है, एवरेज उसकी कितनी थी, ये मैंने पता कर लिया। हमें क्या करना है, मुझे उसका ना कॉलम वाइज रिकॉर्ड चाहिए, मुझे उसका नेम भी चाहिए, हिंदी के मार्क्स चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, मैथ्स का, अकाउंट्स का, बिजनेस और ये। तो सभी कॉलम को मैं क्या करूँगा ऊपर से सिलेक्ट कर लूँगा और इसे मैं इधर पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे इनके क्या है सभी के जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे निकालने, मतलब कंप्लीट कॉलम के रिकॉर्ड मुझे चाहिए इधर, ठीक है। तो कंप्लीट कॉलम का रिकॉर्ड निकालने के लिए सबसे पहले रोल नंबर हमारे पास होना चाहिए, इसका रिकॉर्ड हम निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से आप रिकॉर्ड निकालोगे उसका ना रोल नंबर होना बहुत जरूरी है। या तो उसका नेम से निकालेंगे तो नेम होना जरूरी है, रोल नंबर से निकालें तो रोल नंबर होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर वन टाइप करूँगा, तो इसका मुझे नेम भी चाहिए, अगले कॉलम का डेटा हिंदी के मार्क्स भी चाहिए, इंग्लिश के भी चाहिए। तो इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर वन है, कॉमा, अब टेबल एरे कहाँ है आपका, कंप्लीट टेबल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, फिर मैं क्या है कॉमा एंटर करूँ लगाऊंगा, और कॉलम इंडेक्स नंबर, नेम कितने कॉलम में इसका सेकंड पोजीशन पे है, कॉमा, एग्जिट मैच के लिए जीरो लगाएंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर दीजिए इसे। आप देखेंगे अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा तो रिकॉर्ड तो मेरा आ गया, रिकॉर्ड मेरा आ गया है। अब इस रिकॉर्ड को इस टेबल में हाईलाइट करने के लिए इस टेबल को कर लूँगा मैं सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आऊँगा, न्यू रूल पे जाऊँगा, सबसे लास्ट में है यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे
यहाँ पे आएंगे, इक्वल की प्रेस करेंगे, सिंबल इंसर्ट करेंगे इक्वल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे रोल नंबर वन को, फिर इक्वल प्रेस करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे जो ये वाला रोल नंबर क्या इसके बराबर ये है। अब मुझे इसमें लॉक जो हटाने ना, कॉलम वाइज आगे बढ़ूंगा मैं ऐसे, तो इसका ना आगे का लॉक हटा दूंगा मैं। अब फंक्शन की से भी आप हटा सकते हैं, मैं डायरेक्ट हटा रहा हूँ बैकस्पेस की का यूज करके, ठीक है। और मैं आऊँगा फॉर्मेट ऑप्शन पे, फिल ऑप्शन पे जाऊँगा, और जो भी आपको फिल कलर लेना, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन ले लिया और फॉन्ट कलर मैंने वाइट कर दिया यहाँ से, और ओके कीजिए, तो आप देखेंगे आपका कॉलम यहाँ पे क्या है। और जबकि मुझे क्या करना था, मुझे ना पूरी रो हाईलाइट करनी थी इस तरीके से, जब क्या हो रहा है उल्टा काम हो रहा है, यहाँ हो रहा है उल्टा, ठीक है। अगर मैं रोल नंबर कर देता हूँ यहाँ पे 3, तो नहीं आ रहा ना अपडेट होके, तो दोबारा देखिए ये यहाँ पे गड़बड़ हमसे क्या हुई है। एक बार मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैं आऊँगा, और न्यू, अब आपको ना मैनेज रूल पे जाना है, ठीक है। उस रूल को मैं एडिट करूँगा दोबारा, इस पर क्लिक करके ना इसे एडिट रूल कीजिए। कॉलम के लॉक तो आप यहाँ पे क्या है लगे रहने दीजिए, कॉलम का लॉक आपको लगे रहने देना, क्या इसका हटाना, रो का हटा देना, क्योंकि नीचे ड्रैग करूंगा इसे ऐसे, ठीक है। और इसको कर दीजिए ओके, और यहाँ अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका जो रिकॉर्ड है सर्विस हाईलाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रोल नंबर मैं 2 चेंज करूंगा, तो पुनीत का रिकॉर्ड आ गया। अब ये देखिए इसका टोटल सही नहीं आ रहा ना, एवरेज सही नहीं आ रही इसकी, नहीं आ रही ना। तो जब सिंपल हम वी लुकअप लगाएं चाहे एच लुकअप लगाएं, वो हमें रिकॉर्ड ला के एक्यूरेट कई बार नहीं देता है, वो रिकॉर्ड क्या है मिसमैच उठा लेता है रिकॉर्ड को टेबल के अंदर से। मैं अब 6 एंटर करूंगा, तो देखिए 6 का रिकॉर्ड ही मिसमैच हो गया, इसके बिजनेस के मार्क्स नहीं मैच हो रहे हैं, अकाउंट्स के मार्क्स मैच नहीं हो रहे हैं, ना मैथ्स के मैच हो रहे, ना इसके ना इसके, तो एक भी बस इसका एक रिकॉर्ड मैच हो रहा है ओनली, किसका, वो भी मोनू का हिंदी के मार्क्स मैच हो रहे हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, वो टेस्ट करने के लिए इसको मैं कर लूंगा सेलेक्ट, और मैं देखना फंक्शन की F2 प्रेस करूंगा और एंटर करते हुए चला जाऊंगा। देखो टेबल खिसक रही है ना, टेबल खिसकती हुई चली जा रही है आगे की तरफ, ये इसी वजह से हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि अगर आपने टेबल खिसक रही है यहाँ से, तो टेबल ना खिसके दूसरा तरीका देखिए हम क्या करेंगे। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास 6 है। अगर मैं इसको यहाँ पे F4 से लॉक कर देता हूँ, कॉमा टेबल एरे को भी मैं क्या करूँगा फंक्शन की F4 से मैं इसको भी लॉक करूँगा, कॉमा सेकेंड नेम है 0 और एंटर, मैं देखता हूँ क्या मेरा रिकॉर्ड अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे मोनू 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 ही मुझे क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, मोनू मोनू ही क्यों आ रहा है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा है, टेबल तो फिक्स है पर वो ना कॉलम चेंज नहीं हो रहे, इसके नहीं हो रहे ना, वो एक ही कॉलम पे ही काम कर रहा है बस मोनू, इसलिए इसमें क्या कर रहा है मोनू मोनू के आगे इसने जो है ड्रैग कर दिया। अब इसमें जो कंसेप्ट आपको सेट करना है वो ध्यान से देखना, यहाँ पे ना इनके पोजीशन दे रहा हूँ सबके ऊपर ही 2, 3, इन दोनों को ड्रैग कर दीजिए, इन कॉलम की पोजीशन दे दी मैंने पहले से ही, तो इसमें टोटल 8 ही तो कॉलम है इस टेबल के अंदर। अब देखना मैं कैसे, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है आपका 6 रोल नंबर, इसको F4 से क्या करेंगे लॉक कर दीजिए, कॉमा टेबल एरे कंप्लीट टेबल को करेंगे सेलेक्ट, और इसको भी F4 से कर देंगे लॉक, और कॉमा सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम जैसे नंबर ऊपर से, इसको लॉक नहीं करना है, कॉमा 0 और एंटर, आपका रिकॉर्ड अब आ जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब ये मैच कर लीजिए आप, देखिए यहाँ पे मोनू 58 तो 58, 51 51, 61 61, 55 55, 60 60 57, तो मैच हो गया ना। तो जब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकालनी हो उसकी ना आप पोजिशन दे देना ऊपर इस तरीके से, तब आप रिकॉर्ड को निकाल सकते हो आसानी से। अब देखना रोल नंबर मैं चेंज करूँगा तो सबका रिकॉर्ड आता रहेगा, मेरे पास रोल नंबर 2, तो वो 2 पे क्या है पुनीत का रिकॉर्ड आ गया हमारे सामने निकल के। अब मैंने यहाँ पे 3 यूज किया तो 3 का रिकॉर्ड निकल के मेरे सामने आ गया, मैंने 4 यूज किया तो मेरे सामने 4 का रिकॉर्ड निकल के आ गया। अब इसके दो तरीके और हैं अभी सॉल्व करने के, दो तरीके और हैं हमारे पास, वो क्या है वो समझ लीजिए। एक ना मेरे पास कॉलम नाम का ना एक फंक्शन है इसके अंदर कॉलम, तो ये बताता है मैं कौन से कॉलम में हूँ, कौन से कॉलम में हूँ मैं, बी सेकेंडरी कॉलम है। अगर मैं इसको आगे ड्रैग करूंगा तो अगला कॉलम पता चल जाएगा मुझे 3, अगले पे जाएंगे तो 4, अगले पे जाऊंगा तो कॉलम पोजिशन पता चल रही है, और मेरा रिकॉर्ड भी तो कहाँ रखा हुआ है सेकेंड में, थर्ड कॉलम में, और 8 तक ही तो रखा हुआ है।
यही तो मुझे करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे ऊपर इसके रो इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देखना यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना कॉलम फंक्शन यूज करूँगा इसके ऊपर ही, कॉलम रेफरेंस ना आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करना है, ध्यान देना, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। सेकंड आ गया, इसको आगे ड्रैग कीजिए, एट आ गया, यही मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मैं टू टाइप कर रहा था ना पहले, वहाँ पे हम कॉलम फंक्शन को इंसर्ट करा देंगे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर फोर, इसको एफ फोर से लॉक कर दो, कॉमा टेबल एरर क्या करें, कंप्लीट टेबल को मैं कर लूँगा सेलेक्ट और एफ फोर से कर देंगे लॉक, लगाएंगे कॉमा। तो यहाँ पे ना कॉलम फंक्शन इंसर्ट करना है और यहाँ पे ना सेकंड कॉलम जहाँ है इसको सेलेक्ट करना है। आप चाहे सीट में कहीं भी हो पर सेकंड कॉलम की आपको ना पोजिशन देनी है यहाँ पे। आप बी टू दे दीजिए, मैनुअल टाइप कर सकते हो बी टू, बी टू का मतलब क्या है, बी तो सेकंड कॉलम ही होता है ना भाई, ए तो फर्स्ट है, कॉमा जीरो और एंटर। अब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगी, आप दोनों को मैच कर लीजिएगा, दोनों सेम ही रिजल्ट आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना, ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी सेम है, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही है। दूसरा तरीका यह है मेरे पास डेटा को एक्यूरेट निकालने के लिए, मैंने सिक्स चेंज किया, देखो सिक्स का रिकॉर्ड जो है अपडेट हो गया, हाँ ऊपर अपडेट नहीं हो रहा होगा, ऊपर सिंपल वी लुकअप लगाया तो उससे क्या रिकॉर्ड सही नहीं आ रहा है हमारे पास। हमने क्या करा, एक तो हमने पोजिशन दे दी पहले ऊपर, फिर हमने क्या करा, कॉलम फंक्शन अप्लाई किया और उनके कॉलम नंबर यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिए थे, वो भी यही काम कर रहा है। एक होता है कॉलम्स नाम का फंक्शन, कॉलम्स इक्वल सी ओ एल यू एम एन एस कॉलम्स, इसमें क्या करना है, इसमें ना दो कहीं से भी दो कॉलम सेलेक्ट कर लो, ठीक है, अरे एंटर करो, क्या पोजीशन दे रहा है लाके मुझे, टू ही दे रहा है ना, आगे ड्रैग कीजिए इसे, तो ये टू टू रिपीट कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसको ना पहले को एफ फोर की से लॉक कर दो और इनको आगे ड्रैग कीजिए दोबारा से, इसको ना फिर से ड्रैग कीजिए, ये भी तो यही काम कर रहा है सेम भाई, कॉलम ने भी मुझे पोजीशन ला के दी, जो सिंपल मैनुअल टाइप किया था, जब भी मैंने पोजीशन टाइप की थी तो मैंने वही पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, सेकंड पोजीशन पे जाने के लिए मैंने ना फंक्शन यूज कर लिए क्या, कॉलम और कॉलम्स, आप दोनों तरीके से ये भी काम कर सकते हैं। तीन टेक्निक है आपके पास डेटा को एक्यूरेट निकालने के लिए। अब देखना इसको मैं फंक्शन के साथ जोड़ने वाला हूँ, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर सिक्स है, एफ फोर से लॉक करेंगे, कॉमा टेबल एरे कहाँ है, कंप्लीट टेबल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, एफ फोर से कर देंगे लॉक, कॉमा तो यहाँ पे कॉलम्स जो फंक्शन इंसर्ट करा देंगे आप टैब से, और कहीं से भी दो कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहीं से कर लेता हूँ दो कॉलम ये, ठीक है, और पहले को लॉक कर देंगे एफ फोर की से, पहले को आपको क्या करना है, एफ फोर फंक्शन की से लॉक कर देना है और ब्रैकेट आप करेंगे कॉलम्स की क्लोज, फिर कॉमा, फिर जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर, और आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे निकल के आ चुका है। आगे नहीं आ गया, अगला कंसेप्ट देखिए, कई बार क्या होता है कि आपकी जो टेबल है वो आपको दे रखी है इस तरीके से, मैं इसे ट्रांसपोज कर देता हूँ, और रिकॉर्ड निकालना है इस तरीके से, मतलब रिकॉर्ड कॉलम वाइज दे रखा है, मुझे निकालना है रो वाइज, जैसे हम एच लुकअप में करते थे। तो देखना इसको आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर वन यूज कर लेता हूँ, मैंने लिखा इक्वल वी लुकअप से निकाल दूंगा, देखना ये वी रिकॉर्ड में लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, वन है, एफ फोर से लॉक करो इसे, कॉमा टेबल एरे क्या है, टेबल एरे ये है आपकी, ठीक है, इसको भी एफ फोर से लॉक कर देंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स के नंबर के लिए मुझे देने के लिए मुझे रो फंक्शन यूज करने वाला हूँ, मतलब रो भाई सेकेंड रो पे जाना है मुझे, तो सेकेंड रो कहाँ है मेरी, यही तो है भाई, जहाँ पे ए टू सेकेंड रो ही तो है मेरी, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर, आप देखेंगे आपका रिकॉर्ड ना इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ पे ना लॉक नहीं किया हमने, किसको लॉक नहीं किया, जो हमारा टेबल एरे है उसको लॉक करना है हमें, इसको एफ फोर की से क्या आप लॉक कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा मेरा, आगे नहीं आगे, इसको नीचे ड्रैग कीजिए दोबारा, आप देखेंगे रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं रोल नंबर सिक्स एंटर करता हूँ, तो आप देख लीजिए सिक्स का रिकॉर्ड ये मैच कर लीजिए यहाँ से, और इसके थ्रू मैच कर लीजिए और इससे मैच कर दीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है देख लीजिए। और एक तरीका और इसका रोज के थ्रू, जैसे मैंने एच लुकअप में कराया था, रोज से भी कर सकते हो, देखो रोल नंबर सिक्स ही रहने देते हैं इधर, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर सिक्स है, इसको नीचे ले दो और एफ फोर से क्या करेंगे इसे लॉक कर देंगे, कॉमा फिर मुझे क्या करना है, टेबल एरे कर लीजिए कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट और एफ फोर से क्या करेंगे इसे भी हम लॉक कर देंगे, कॉमा रोज
ब्रैकेट ओपन। अब इसमें कोई भी दो रो सेलेक्ट कर लो। अब रो सेलेक्ट कैसे होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है ऐसे। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसकी रो को लॉक करना है सिर्फ। शिफ्ट के साथ डॉलर प्रेस कर दीजिए इधर, एक डॉलर, ये हमने रो को लॉक कर दिया है। कॉलम को खुला छोड़ना है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, कॉमा जीरो और इसे एंटर कर दो। तो यहाँ पर रिकॉर्ड मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होगा, आप दोनों को चेक कर सकते हो, आ रहा है ना बिल्कुल एक्यूरेट रिकॉर्ड मेरे पास। इस रिकॉर्ड को मैं नीचे यहाँ ले लेता हूँ, इसमें यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ना रेफरेंस एरर आ गया है, एक बार दोबारा देख लो, यही मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको फिर से। एक बार वी लुकअप यूज किया, लुकअप वैल्यू में क्या हुआ, देख नहीं जाता ना फंक्शन। F4 से लॉक कर दिया, कॉमा टेबल एरर क्या करेंगे, कंप्लीट जो टेबल है उसको हम कर लेंगे सेलेक्ट, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा रोज रो लगाएंगे पहले। रो में क्या है, मैं A2 अप्लाई कर रहा हूँ, तो A2 का मतलब सेकंड रो पे मैं आ गया हूँ, एक कॉलम हो गया सेकंड रो होगी, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दीजिए। तो रिकॉर्ड आपका आ गया, एक तरीका तो है ये आपके पास, एक विधि तो है ये। दूसरी विधि क्या है भाई, आप क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप रोज यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू 6 है, F4 से लॉक कर देंगे। टेबल एरर क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को मैं कर लूंगा सेलेक्ट और F4 की से कर दूंगा लॉक, कॉमा यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, रोज। इसमें भी क्या, हम दो रो सेलेक्ट कर लीजिए कहीं से भी, जैसे मैंने ये दो सेलेक्ट कर लिया, और क्या करेंगे जो इसके बाद है ए के बाद, रो को लॉक कर दीजिए और ब्रैकेट को मैं करूंगा क्लोज, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इससे भी क्या है, मेरा रिकॉर्ड जो है वो निकल के आ गया। तीसरा तरीका भी है इसका, तीसरा तरीका भी देखो क्या है वो। तीसरे तरीके में क्या है कि आपको ना इसकी, जैसे मैंने पोजीशन दी थी ना 1 2 3, ऐसे ही आपको इसकी पोजीशन देनी होगी। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा इसको उठा के यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ इधर अगले कॉलम में, ठीक है। अब देखना इसकी पोजीशन दे देता हूँ मैं इधर, मैंने क्या यूज करा, 2 3 4 5 6 7 8 ही तो कॉलम है इसके अंदर, टेबल के अंदर हमारी के। तो मैं क्या करता हूँ, इस रिकॉर्ड को थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ, टेबल के साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये है तीसरा मेथड, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या, रोल नंबर 6, F4 से कर देंगे लॉक, कॉमा टेबल एरर क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को कर लूंगा मैं सेलेक्ट, F4 से लॉक, कॉमा और यहाँ पे क्या है, अब सेलेक्ट करेंगे पोजीशन ये, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हो गया आपका तीसरा तरीका। तो आपने क्या करा, जो डेटा वर्टिकल फॉर्म में था आपने उसे क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी डेटा को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये वी लुकअप ही हमारा का इस काम को कर देता है। अब देखिए वी लुकअप से ग्रेड हम कैसे निकालें, मैंने आपको लुकअप से भी ग्रेड निकालनी सिखाई थी, एच लुकअप से भी सिखाई थी, और वी लुकअप से ग्रेड कैसे निकलेगी वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या ग्रेड निकालने वाले हैं वी लुकअप से। तो स्लैब मैंने यहाँ पहले ही बनाया हुआ है, पिछला स्लैब जो है यहाँ पे, मैं उसे अपनी सीट पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मेरा स्लैब इधर है और ये इसी फॉर्म में सेम इसको अपनी सीट पर क्या हम पेस्ट कर लेंगे। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास ग्रेड ये स्लैब आ गया है बना हुआ, ठीक है, हमने स्लैब यूज कर लिया इधर। तो अब यहाँ पे हम ग्रेड निकालने वाले हैं, तो क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसको तो लॉक नहीं करेंगे क्योंकि चेंज होगा जी नीचे खिसकाएंगे तो इसको हम जब फॉर्म में ड्रैग करेंगे तो, कॉमा टेबल एरे क्या है, तो टेबल यही तो है आपके पास, ये टेबल नहीं है ये होगी, यहाँ से हम ग्रेड निकालने वाले। F4 से इसे कर दीजिए लॉक, कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर, सेकेंड में ही तो है ग्रेड भाई, सेकेंड कॉलम में ग्रेड दे रखी है मुझे, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 टाइप करेंगे और 1 टाइप कर दीजिए, आज अब 0 नहीं लगाएंगे इधर। जब भी हम ग्रेड निकालते हैं वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको देखना आप ग्रेड निकल के आ जाएगी ABCD, ग्रेड आएगी नहीं आएगी। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके भी आसानी से ग्रेड ना आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आया। अब इसका अगला कंसेप्ट समझो, अभी तक जो मैंने वी लुकअप कराया वो है स्टैटिक फॉर्म में, अब इसे डायनेमिक कैसे बनाएं हम, डायनेमिक वी लुकअप कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, वो देखते हैं हम कि डायनेमिक वी लुकअप किस तरीके से हम जो फंक्शन अप्लाई करेंगे। अगर देखना यहाँ पे रोल नंबर को मैं यहाँ पे 7 टाइप कर रहा हूँ, जबकि 7 तो नहीं है ना इधर, नहीं है ना 7, चलो हमने यहाँ पे 7 रिकॉर्ड एंटर भी कर दिया टेबल के अंदर, हमने यहाँ उमेश ले लिया, इसके मार्क्स एंटर कर देंगे और इसकी जो है एवरेज भी, मैं इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, इसकी ग्रेड एवरेज सब कुछ निकाल के दिखा देगा आपको, ग्रेड भी आ गई इसकी,
परंतु मैं यहाँ पे सेवन टाइप करूंगा तो सेवन का रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा है, जबकि सेवन तो हमारी टेबल में है और देखो वो भी खिसक गया है नीचे सेवन पे। तो हमने जो पहले किए थे ना फंक्शन, ये थे स्टैटिक, पर खाली रेंज सेट कर रखी जहां तक हमारी टेबल थी। अब देखना इसे डायनेमिक कैसे बनाए, आप इसमें कितने भी रिकॉर्ड एंटर कर देना, सारे रिकॉर्ड का रिजल्ट दिखा देगा आपको वीडियो कब से ये। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब मैंने यहाँ पे रोल नंबर सेवन ले लेता हूँ इधर, इक्वल वीलुकअप। तो डायनेमिक सिलेक्शन कैसे होता है वो समझने वाले हैं इसमें हम। हमने सेलेक्ट किया F4 से लॉक कर दिया कॉमा, तो टेबल है मैंने आपको ये टेबल इस तरह सेलेक्ट करनी है इस बार कंप्लीट, नीचे तक ऊपर से ऐसे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और क्या करेंगे इसे भी F4 से लॉक कर दीजिए कॉमा। एग्जैक्ट निकालने के लिए कॉलम यूज कर लूंगा मैं, और मैंने क्या यूज करा, सेकेंड कॉलम चाहिए तो B2, ठीक है B2 सेकेंड कॉलम ही है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखना आपको उमेश का रिकॉर्ड आ गया है और बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होगा, देखो उमेश का आ गया। अब मैंने क्या करा, अगला रिकॉर्ड एंटर किया, मैं रिकॉर्ड तो डेली अपडेट करेंगे अपनी सीट के अंदर हम। यहाँ पे हमने लक्ष्मण का रिकॉर्ड आज एंटर कराया इसमें, लक्ष्मण का, तो ये तो हम यहाँ से नीचे ड्रैग कर देंगे फार्मूले के ऊपर से, ये नीचे की ग्रेड और एवरेज भी दिखा देगा हमें। अब देखिए मैं यहाँ पे ना रोल नंबर क्या करूंगा, 8 एंटर करूंगा तो रिकॉर्ड आ गया, नहीं आ गया और पहली टेबल में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं सिलेक्शन नहीं, बस हमने एक रेंज वो कर रखा था स्पेसिफिक रेंज को। अगर यहाँ पे 7 टाइप करूंगा इसका रिकॉर्ड नहीं आएगा, सारे एन ने दिखा देगा आपको। अब यहाँ पे क्या है कि आप कितना भी रिकॉर्ड इसमें एंटर कीजिए, न्यू रिकॉर्ड, बस यहाँ पे उसको एंटर करना, रिकॉर्ड आपका निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा होता है डायनेमिक सिलेक्शन, वीलुकअप कैसे किया जाता है, ये मेथड बहुत काम का होता है ये वाला कंसेप्ट जो है। तो स्टैटिक लेवल पे भी आप वीलुकअप अप्लाई कर सकते हो और डायनेमिक वीलुकअप भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर ध्यान रहे जब डायनेमिक वीलुकअप अप्लाई करेंगे तो उसमें ना नीचे आप अन्य कोई टेबल का काम ना करें, वो नीचे क्या है खाली होने चाहिए वो कॉलम सारे सारे नीचे तक, उसमें कोई रिकॉर्ड मत एंटर करना। जैसे मेरा तो यहाँ जगह नहीं इसलिए वो रिकॉर्ड आ रहा है, मैं समझा दिया है, पर जब आप काम करेंगे ना उसमें ये एरिया खाली रहेगा नीचे तक। रिकॉर्ड एंटर करते रहिए, यहाँ पे रोल नंबर डालिए, आपका रिकॉर्ड निकल के आता रहेगा। तो आज की हमारी ये क्लास है वीलुकअप की।